पैनल की तरफ से आइडेंटिफिकेशन एंड क्लिनिकल कंडीशन ऑफ एग्रेनुलोसाइट्स। एग्रेनुलोसाइट्स में दो सेल आते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट, जो आपको सामने नजर आ रहे हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। पहले वाले वीडियो में एग्रेनुलोसाइट्स न्यूट्रोफिल, लिम्फो न्यूट्रोफिल, इसनोफिल और बेसोफिल के बारे में बता चुका हूँ। आज आप एग्रेनुलोसाइट्स के आइडेंटिफिकेशन एंड क्लिनिकल कंडीशन को जानेंगे। तो अब चलते हैं ये कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स का। आइडेंटिफिकेशन के लिए एक पेरिफेर ब्लड स्मियर DLC स्लाइड पहले बनाते हैं, और यह जो DLC स्लाइड है लिस्मेन स्टेन से स्टेनिंग किया हुआ है, इसको पहले देख लेते हैं। जैसे इस तरह देखेंगे तो पता चल रहा है कि नीचे फिल्म है, तो फिल्म को ऊपर की तरफ जो फिल्म बनाए हैं चेक कर लेंगे, और इस फिल्म को माइक्रोस्कोप में इस तरह से स्लाइड को इस तरह से मैंने स्लाइड को सेट कर लिया है। स्लाइड सेट हो गया। अब हम लोग इसको उसी तरह पहले 10x लगा कर देखेंगे, फिर यहाँ से नोब द्वारा 45x, और फिर इसमें हेड टेल और बॉडी डिवाइडेशन कर लेते हैं स्लाइड में, जो पहले बता चुका हूँ, और उसके बाद 100xy इमर्शन में लगाकर इसको फोकस करेंगे, और फोकस करके सर्च करेंगे एग्रेनुलोसाइट्स मतलब लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो अब सर्च करने के बाद देखते हैं, तो लिम्फोसाइट में दो तरह के लिम्फोसाइट होते हैं, लार्ज लिम्फोसाइट एंड स्मॉल लिम्फोसाइट। तो हम लिम्फोसाइट तो पहचानेंगे क्योंकि परसेंटेज में सिर्फ लिम्फोसाइट दिया जाता है, लेकिन लार्ज और स्मॉल भी पहचानेंगे। अब लार्ज लिम्फोसाइट्स में का परसेंटेज 4-8% होता है, न्यूक्लियस ओवल शेप होता है, साइज 10-20 होता है, कलर वायलेट होता है, साइटोप्लाज्म नेचर एग्रेनुलस होता है, कलर लाइट ब्लू स्काई ब्लू होता है, और डाई बेसिक होता है। यह जो देख रहे हैं यह लार्ज लिम्फोसाइट्स है, इसके साइड में मार्जिन बना हुआ है रिंग की तरह। तो ये लार्ज लिम्फोसाइट्स है, और इसका न्यूक्लियस ओवल शेप है, साइज 10-12 माइक्रोन है, और कलर न्यूक्लियस का वायलेट है, और साइटोप्लाज्म देखेंगे तो ये ग्रैनुल्स है, जबकि ग्रैनुलोसाइट्स में ग्रैनुल्स पाए जाते हैं, ये ग्रैनुल्स है, तो साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स नहीं है। और उसके साथ यह लाइट ब्लू स्काई कलर का नज़र आ रहा है। अब इस तरह अगले फिल्म में भी देख रहे हैं, तो ये लार्ज लिम्फोसाइट्स उस तरह स्मॉल लिम्फोसाइट 30-50% होते हैं, न्यूक्लियस ओवल शेप होते हैं, साइज 7-5, कलर वायलेट साइटोप्लाज्म एग्रेनुलस, कलर लाइट ब्लू स्काई ब्लू, और डाई बेसिक। अगले फिल्म में देख रहे हैं, तो ये स्मॉल लिम्फोसाइट्स है, ये स्मॉल लिम्फोसाइट जो नज़र आ रहे हैं, इसका एक मार्जिन जो साइड में है पूरा क्लियर रिंग नहीं दिखाई दे रहा है, टच है, ओवल कवर किए हुए हैं न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस इसका ओवल शेप है, साइज 7.5 माइक्रोन है, और साइटोप्लाज्म एक ग्रैनुल्स है। तो ये स्मॉल लिम्फोसाइट्स हैं, एक ही साथ यहाँ पर 3 स्मॉल लिम्फोसाइट्स हैं, जो पूरा क्लियर मार्जिन चारों तरफ क्लियर मार्जिन रिंग जैसा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है, जबकि लार्ज वाला क्लियर रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना रहा था। अब लिम्फोसाइट्स के क्लिनिकल कंडीशन, इंक्रीज कंडीशन को लिम्फोसाइटोसिस बोलते हैं, जो लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, हूपिंग कफ, टाइफाइड फीवर, अंडुलेटेड फीवर एंड एक्यूट इन्फेक्शन, मोनोन्यूक्लियोसिस
and mumps, tuberculosis and syphilis में increase lymphocytes हो जाता है. इस condition को lymphocytosis बोलते हैं. और decrease condition को lymphopenia बोलते हैं. तो decrease जब absolute lymphocyte count करेंगे तो 1200 per cubic mm से कम आएगा तो उसको ल्यूकोपेनिया बोलेंगे. यह तीन कंडीशन होता है, हॉजकिंस डिजीज, एक्सटेंसिव रेडियोथेरेपी एंड यूज ऑफ एंटी लिम्फोसाइट ग्लोबुलिन. इस कंडीशन में यह डिक्रीज हो जाता है. अब फंक्शन क्या है, तो जो सेकेंड मोस्ट कॉमन व्हाइट ब्लड सेल्स आर डिवाइडेड टू टाइप्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड मेक एंटीबॉडीज. ए एंटीबॉडी को बनाने काम करता है जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं. टी लिम्फोसाइट्स इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करता है और वायरस को भी के भी अगेंस्ट काम करता है. तो टी और बी, बी फॉर वर्सा, टी फॉर थाइमस ग्लैंड. तो ये वर्सा और थाइमस ग्लैंड के प्रोडक्शन इसका होता है. अगला मोनोसाइट्स. मोनोसाइट्स भी एगोनोसाइट सीरीज का एक सेल है जिसका नॉर्मल परसेंट 2 से 8% होता है. न्यूक्लियस किडनी सेप्स, वेन सेप और सो सेप्ड, मतलब किडनी के तरह या वेन जो सीम का बीज आता है उस तरह, या हॉर्स के घोड़े के जो नाल होते हैं उस तरह होते हैं. साइज इट इज 20 माइक्रोलीटर, इसलिए इसको जेंट माइक्रोफेजेज भी कहते हैं. और कलर वायलेट होता है. साइटोप्लाज्मिक ए ग्रेनुल्स होते हैं, कभी कभी साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स भी पाए जाते हैं. कलर लाइट ब्लू होता है साइटोप्लाज्म का या स्काई ब्लू. डाई बेसिक डाई बट पुअर कलर पकड़ता है. अब यहाँ पर एक सेल दिखाई दे रहा है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में, तो ये हॉर्स सेप, किडनी सेप, वेन सेप, इसका न्यूक्लियस है. तो ये मोनोसाइट है और साइज में 18 से 20 माइक्रोलीटर है, मतलब जेंट सेल है. तो इसको जेंट सेल ही बोलते हैं, साइज में बड़ा होता है. और साइटोप्लाज्म ये ग्रेनुल्स है, अतः ये मोनोसाइट्स हैं. यहाँ पर एक और सेल नज़र आ रहा है जो किडनी सेप है, दो भागों में बटा हो जैसा न्यूक्लियस लग रहा है और एक एग्रैनुलोसाइट्स है. तो ये मोनोसाइट्स हैं. उसी तरह फिर एक ऊपर की तरफ ये भी सेल्स जो हैं मोनोसाइट सेल्स हैं. अब क्लिनिकल कंडीशन, इंक्रीज कंडीशन को मोनोसाइटोसिस बोलते हैं. यह टाइफाइड फीवर, ट्यूबरकुलोसिस, अंडुलेटिंग फीवर, मलेरिया, कालाजार, एंड्रोकिन माउंटेन स्पॉट फीवर एंड सब एक्यूट ब्रोंकियल इंडोकार्डाइटिस में इंक्रीज होता है. अब इसका फंक्शन है द इंक्लूडिंग बैक्टीरिया रिमूवल एंड एक्टिव ऑफ इन्फ्लामेशन एंड इन रिपेयर ऑफ द डैमेज टिश्यू. जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और उसमें इन्फ्लामेशन होता है, तो वहाँ पर से बैक्टीरियल को रिमूव कर डैमेज टिश्यू को हटाता है और रिपेयर करता है. इसका मेन फंक्शंस है. अगर जो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.